वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज आसिफ। सो जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाया था नथिंग फोन के ऊपर अनबॉक्सिंग, तो आज होने वाला ये रिव्यू। तो हमारे पास जो नथिंग का फोन है वो हम रिव्यू करेंगे। तो ये है अपने पास नथिंग का फोन, जो कि एक महीने बाद होने वाला है इसका रिव्यू। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में कि इसका फोन का रिव्यू कैसा रहा। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का फोन है, सबसे पहली बात मैं बता दूँ। काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने तो अभी नया फोन लिया है, तो ये मेरे फ्रेंड का फोन है, तो उसी से मैंने कुछ डिटेल्स जो है वो लिया है। तो आज मैं फोन के बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका जो रिव्यू मैं देना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हो कि ये फोन हैंडी है, आप एक हाथ से इजीली यूज कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फोन को आपको यूज करने के लिए मतलब दोनों हाथ से इसको यूज करना होगा, जैसे कि ये फोन बिल्कुल भी हैंडी नहीं है। तो अगर ये फोन थोड़ा सा छोटा होता साइज में, तो हाथ में अच्छा कॉम्पैक्ट इसका बैठता और अच्छा साइज प्रॉपर रहता। तो साइज की वजह से थोड़ा सा ये हैंडी नहीं है, लेकिन अगर आपका हाथ काफ़ी बड़ा है, खली जैसा हाथ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो यार अभी इसके मैं वेट के बारे में बताऊंगा। तो इसका वेट जो है वो 193.5 है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप कवर्स वगैरह यूज़ करते हो तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन आप यूज़ नहीं भी करते हो, ऐसे भी यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी लाइट वेट ही मिलने वाला है आपको। और मार्केट्स में कवर्स भी इतने अवेलेबल नहीं है, जाके हम लोगों ने बहुत सर्च किया। तो इसमें मैंने स्क्रीन लगाया है, देख सकते हो मेरे फ्रेंड ने तो स्क्रीन लगाया है साइड और ये कैमरा। तो यार ये फ़ोन का एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 256 GB इंटरनल है और 8 GB इसका रैम है, फिर भी इसमें कैमरे में लैकिंग होता है। इसके पहले दोस्त के पास था वन प्लस, उसने वन प्लस यूज़ किया, तो वन प्लस यूज़ करने के बाद ये फ़ोन अगर उसने जो यूज़ किया है तो उसके कैमरे में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिला है, मतलब बहुत लैकिंग होता है कभी कभी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो शायद नेक्स्ट अपडेट में नथिंग वाला ये चेंज कर सकता है। तो इसके बाद जो ये फ़ोन में एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता है। तो यार हर फोन में रहता है ये, मतलब उसके पहले उसने वन प्लस यूज़ किया है तो उसको उसका हैबिट होता है कि ऐसे करता है, बट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो अलर्ट स्लाइडर देना चाहिए था नथिंग वाले को, जो कि ये प्राइस पॉइंट में होता है, बनता है यार। और इसका दूसरा ये है कि अगर आपको फ़ोन डिलीवर होता है उसके बाद आप प्लीज़ चेक करना एक बार, क्योंकि इस यहाँ पे जो ऐसा एक प्लेट जैसा कुछ होता है, तो वो प्लेट हिला हुआ था, तो वो सही कैसा हुआ उसको नहीं मालूम था। तो उसने क्या किया, फ़ोन पटका गद्दे पे और वो सही हो गया। तो यार ये जो ग्लिफ्स जो डालने के बाद नथिंग वाले ने अंदर से बॉडी थोड़ा कमज़ोर कर दिया है, इसके बाद वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप संभालिए, अगर फ़ोन आपका गिरता है तो शायद से अंदर से कुछ ऊपर से डिस्प्ले जो है, मतलब डिस्प्ले नहीं, ये जो बैक पैनल है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो यार इसमें कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी के मुकाबले में ये फ़ोन अच्छा है। बट अभी 5G लॉन्च होगा, तो देखते हैं कि 5G कैसा चलता है ये फ़ोन में। वैसे कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फ़ोन। तो यार साउंड के बारे में हम चेक करते हैं, साउंड क्वालिटी कैसा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें उसके पहले एक चीज़ और बेकार है, जो कि इसका लॉक स्क्रीन है, जो कि मुझे पर्सनली कैलकुलेटर टाइप लगता है यार। बट ठीक है, साउंड चेक करते हैं हम अभी। तो मैंने इसको अनलॉक करता हूँ। तो इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, मैंने ज़्यादा म्यूजिक नहीं बजाया वरना कॉपीराइट आ जाता है, वो प्रॉब्लम होता है। और इसका स्टीरियो साउंड है, ऊपर नीचे दोनों पता ही आपको, तो बताने की जरूरत नहीं है। साउंड क्वालिटी में अच्छा है। तो यार नथिंग वाले ने जो बैटरी दी है इसका, वो 4500 mAh कुछ है बैटरी। बट अगर इसका ऑन डिस्प्ले आप अगर चलाते हो, तो जैसा मुझे रिव्यू आया, जैसे सामने से रिस्पॉन्स आया, तो वो 6.5 से 7 घंटा ऑन डिस्प्ले चलता है। तो जैसे इसका चार्जर है 45 वॉट का, मैंने आपको बताया, लेकिन 33 वॉट ही सपोर्ट करता है फ़ोन के अंदर। लेकिन इसको चार्ज करने में तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगता ही है फ्रॉम 0 to 100, जो कि काफ़ी अपडेट देना चाहिए नथिंग वाले को। तो अभी शायद नेक्स्ट अपडेट में देगा वीडियो, नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा। तो अभी मैं बुलाने वाला हूँ जिसका फ़ोन है फाइनली। अच्छा भाई चल, थोड़ा ये रिव्यू बताएगा एंड फोन के बारे में बताएगा कि फोन यूज करके कैसा लगा, बोलो भाई। सबसे पहली बात तो मेरे पास पहले से वन प्लस का फोन था, तो वन प्लस के मुकाबले तो फिर उतना अच्छा ये है नहीं जितना खास मेरा वन प्लस का था। बट ठीक है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से उस सेगमेंट में ठीक है, काफी अच्छा है। 120 Hz है, उसमें 90 Hz है, बस यही फर्क है, बाकी ऑल ओवर ठीक है फोन। उसको मैंने सजेस्ट भी किया था यार, ये कंफ्यूज था आईफोन 13 में और नथिंग में, इसको मैंने बोला 13 लेने के लिए, इसको लेना था यही नथिंग, लेकिन ठीक है इसको फोन यूज करके मजा आ रहा है यार। एक प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, इसको मैंने ऑलरेडी फाड़ चुका है, तो इसका अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ये एक्चुअली अगर जैसे कि केबल्स काफ़ी महंगे आते हैं, तो अगर आपको केबल प्रोटेक्ट करना है आपका, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और पहले भी इसको मैंने मंगाया है, मतलब मेरे फ्रेंड का है तो, और ये मैं अपने चार्जर के लिए मंगाया है। तो ये देखो जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने रैप कर दिया इसको, बहुत ही मतलब प्रोटेक्ट रहेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।